नगर निगम प्रशासन जल जमाव की समस्या से शहर को मुक्त कराने के लिए तरह तरह के अभियान चलाकर महानगर को जल जमाव और संक्रमित बीमारियों से बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ठेकेदारों और कर्मचारियों की वजह से नगर निगम की लगातार किरकिरी हो रही है। कुछ ऐसा ही मामला इलाहीबाग पंप हाउस पर देखने को मिला, जहां शहर के अंदर इकट्ठा हुए बरसात के पानी को विद्युत पंप के माध्यम से नदी की तरफ गिराया जाता है, लेकिन पंप का पाइप फट जाने की वजह से पानी नदी की तरफ ना गिरकर बंधे को काटते हुए वापस नाले में ही जा रहा है। स्थानीय ठेकेदार ने कहा कि पाइप फटने की वजह से रिसाव हो रहा है, लेकिन इससे बंधे को कोई नुकसान नहीं होगा। इस दौरान यह भी देखने को मिला कि जर्जर पाइप से कई जगहों से रिसाव हो रहा था, कुछ जगहों पर सड़क में गड्ढे भी मिले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय नागरिक व्यास कुमार और स्थानीय ठेकेदार आशुतोष ने कहा। इलाहीबाग हावर्ट बांध पंपिंग सेट क्या है यहाँ पे अभी? यहाँ जो है पानी इस पार से जो उस पार फेंकती है, यहाँ रिसाव हो रहा है। अब जब ये रिसाव हो रहा है तो यहाँ जब ज़्यादा बाढ़ आएगी, ज़्यादा पानी भरेगा, तो यहीं से बंधा फूटने का डर रहेगा। और ये यहाँ की जो है नगर आयुक्त हैं या कर्मचारी हैं, इन लोगों की लापरवाही है। अभी जब बाढ़ जब बढ़ेगी तब सबको दिखाई देगा। दूसरी बात, यहाँ जो है जितनी भी पंप है केवल सब बंद रहती है, दो तीन या एक दो चलता है, जितनी भी डीजल आती है जो डीजल से चलता है सारी डीजल जो है बेच देते हैं लोग चोरी से। जो डीजल जो है चलना चाहिए, सब पंप चलना चाहिए, वो पूरा पंप चलता नहीं है, चोरी से डीजल ये लोग बेच देते हैं यहाँ के कर्मचारी। रही बात की जो शहर की पानी जो इसमें इकट्ठा होती है, पूरा भर जाती है लोगों के घर में, इकट्ठा हो जाता है, जम जाती है पानी। क्या नाम है? व्यास कुमार। आशुतोष। आशुतोष जी, ये पंपिंग सेट आप चला रहे हैं? हाँ। और ये फूटा हुआ है पाइप और पानी दोबारा उसी में आ रहा है जहाँ से निकाल रहे हैं? हाँ। तब तो क्या इससे कोई नुकसान नहीं? बंधा कट नहीं, उससे नुकसान नहीं है, बंधा नहीं कटेगा, बंधा नहीं कटेगा, नहीं फूटा ही चलाएंगे, बदले बदला जाएगा कल। देखने आया था कोई अधिकारी? सूचना दिया अधिकारी, सब जान रहे हैं सड़क काटना है ना, तो जब तक परमिशन नहीं मिलेंगे तब सड़क कटेगी नहीं, जो स्थित कोई काटेगा नहीं। तो ये दूसरा पंप क्यों नहीं चला रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक पंप चल रहा, दो डीजल पंप का आदेश नहीं है चलने का, जब पानी अधिक होगा डीजल चलेगा। कौन सा जगह है ये? कौन सा जगह? इलाहीबाग।